बेडरूम में ऐसी कौन सी चीज रखने से पति पत्नी के बीच झगड़े बढ़ सकते हैं, और बेडरूम में रखी कौन सी चीज पति पत्नी के बीच बढ़ रही दूरियों को कम भी कर सकती है, ये जानते हैं। बताइए पंडित जी, बहुत अहम सवाल है, क्योंकि बेडरूम एक वो जगह जहाँ से खुशियां भी निकलती हैं और जहाँ से तनाव भी बढ़ता है और क्लेश भी बढ़ सकता है। एकदम सही बात है, बेडरूम वो पावर हाउस है जो पूरे घर को रोशन करता है। पत्नी अपने पति के हमेशा बाईं ओर सोए। अगर पत्नी अपने पति के दाहिनी ओर सोएगी तो निश्चित रूप से ऐसे दाम्पत्य जीवन में कभी समरसता आ ही नहीं सकती। इसलिए पत्नी को हर समय अपने बामांग में, बाएं भाग में, लेफ्ट की तरफ ही सोना चाहिए। अपने बेडरूम में गहरे रंगों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बेडरूम की दीवारों को गहरे रंग के पेंट से कभी नहीं पेंट कराना चाहिए। शुक्रवार को गुलाब का फूल खरीदकर अपने कमरे में गुलदस्ता बना करके उसे ईशान कोण में रखना चाहिए, और अपने कमरे में किसी देवी देवता की प्रतिमा या तस्वीर नहीं लगाना चाहिए। अगर ज़्यादा इच्छा है तो राधा कृष्ण की तस्वीर आप लगा सकते हैं उत्तर दिशा में, उसमें कोई दोष नहीं है क्योंकि वो हर जगह रहते ही हैं। अपने डाइनिंग टेबल पर मछलियों का जोड़ा, चांदी के मछलियों का जोड़ा, असली मछलियों का जोड़ा नहीं, चांदी के मछलियों का जोड़ा रख सकते हैं। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच में आकर्षण बढ़ता है। और अगर आप दो चांदी के छोटे छोटे हाथी भी समानांतर दिशा में करके अपने बेडरूम में ईशान कोण में रख दें तो इससे भी दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बना रहता है। जिन लोगों को संतान सुख नहीं है वो अपने बेड के पास हाथी का जोड़ा रखें। वैवाहिक जीवन को सुखी और सफल बनाने के लिए उड़ते हुए हंसों का जोड़ा भी अपने घर में रखें। अपने कमरे और घर में कपूर जलाकर उसका धुआं दिखाएं। गर्म तवे पर दूध के छींटे मारें। घर के मंदिर में पारे का शिवलिंग की स्थापना करें। कांच की शीशी में शहद भरकर अपने बेड के नीचे रखें। जय मां विंध्यवासिनी।